सोहागपुर में सिविल कोर्ट चौराहे पर लगे एक्सिस बैंक एटीएम को चोरों ने तोड़कर लूटने की कोशिश की। कैबिन में घुसते ही पहले चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया और एटीएम मशीन में तोड़फोड़ की। खास बात यह है कि एटीएम पर मौजूद गार्डों को घटना की भनक तक नहीं लगी। चोर नकदी का लॉकर तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो सोहागपुर में सिविल कोर्ट चौराहे पर लगे एक्सिस बैंक के एटीएम को चोरों ने तोड़ दिया, उसमें से पैसे निकालने की कोशिश की गई। कैबिन में घुसते ही चोरों ने सबसे पहले तो एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया और एटीएम मशीन में जमकर तोड़फोड़ की। खास बात यह है कि एटीएम पर मौजूद गार्डों को पूरी घटना की कोई भनक तक नहीं लगी। चोर नकदी का लॉकर तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके और वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए एक्सप्रेस रिपोर्टर देवेंद्र कुशवाहा। देवेंद्र, कब की ये पूरी घटना बताई जा रही है और क्या कुछ कहना है बैंक प्रबंधन का इस पूरे मामले को लेकर? ये घटना सुबह 4 से 5 बजे के बीच में है। सुबह कम से कम 4 या 5 बजे के बीच कुछ अज्ञात चोरों ने एटीएम में धावा बोला और सबसे पहले उसके जो सीसीटीवी कैमरे थे उसको फोड़ा और उसके बाद उसकी मशीन को बाहर निकाला। जी देवेंद्र, साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस वक्त ये पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त एटीएम पर जो सुरक्षा गार्ड होते वो कहाँ पर थे? वहाँ पर उस समय कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं था क्योंकि वो स्टेट बैंक के पास में स्थित है और वहाँ बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम भी नजदीक में है। इस कारण बैंक प्रबंधन द्वारा कोई भी वहाँ पर सुरक्षा कर्मी नहीं रखा गया था। क्या कुछ तर्क सामने निकल के आ पाया है इस लापरवाही के लिए बैंक प्रबंधन का? जी, अभी तक बैंक प्रबंधन द्वारा कोई थाने में एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकी है और पुलिस को अभी बैंक प्रबंधन द्वारा एफआईआर की अभी बैंक द्वारा कब एफआईआर की जाएगी इसकी अभी पुलिस अभी जानकारी में लगी हुई है। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए।